Okay, so let's solve this JEE mains 2023 15th April morning shift question. So question is that the speed of wave produced in water is given by v is equal to lambda rest to a, g rest to b or rho rest to c. So lambda is the wavelength, hai, g is the acceleration due to gravity hai, aur rho is the density. Okay, so we abc ka value jo hai, wo find out karna hai. So let's see how we will do that. So v is equal to lambda rest to a, g rest to b and rho rest to c. ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सबकी डायमेंशनल फॉर्मूला याद होने चाहिए. तो वेलोसिटी का क्या होगा, स्पीड दैट इज एल वन टी माइनस वन इज इक्वल टू वेवलेंथ का होता है एल वन पावर ए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, सो एल वन टी माइनस टू टी माइनस टू पावर बी, और डेंसिटी दैट इज मास बाय वॉल्यूम, सो वो होता है एम वन एरेस टू माइनस थ्री पावर सी. ठीक है, इसमें से एक इक्वेशन जनरेट होगा. सो लेट्स सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल वन टी माइनस वन इज इक्वल टू एम का पावर एक सी में ही है सिर्फ सी. ओके, नाउ एल का जो पावर है दैट इज ए, यहाँ पे बी में है प्लस बी, और टी का जो पावर है वो बी और सिर्फ बी में है, सो माइनस टू बी. अभी पावर कंपेयर कर लो आप. ओके, बाय कंपेयरिंग द पावर्स सो सी विल कम आउट टू बी ज़ीरो, ए प्लस बी दैट विल बी वन. ओके, और टी का पावर कंपेयर करोगे तो माइनस वन इक्वल टू माइनस टू बी, सो बी विल बी वन बाई टू. बी का जो वैल्यू आपको मिला है यहाँ पे वो इसमें यूज़ कर लो, सो ए विल ऑल्सो बी वन बाई टू. ओके, सो ए वन बाई टू, बी वन बाई टू और सी ज़ीरो, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस